आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, वेलकम टू डाउटनेट। तो आज के हमारे गिवन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इफ द स्केलर एंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज। तो हमको बताना कि वही एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर वी और उनका स्केलर प्रोडक्ट। तो हम बात करते हैं अगर स्केलर प्रोडक्ट की, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, ये होता है ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है। साथ में अगर हम बात करें वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो ये होता है हमारा ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो इस गिवन क्वेश्चन में हमसे कहा था कि जो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट है ए और बी वेक्टर का, वो क्या है, इक्वल है। तो हमारा वेक्टर ए यानी कि स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये वेक्टर बी कॉस थीटा इक्वल है हमारे वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा के, इस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट के। तो हमारा मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कैंसिल और बी का मैग्नीट्यूड से बी का मैग्नीट्यूड कैंसिल। तो अगर हम कॉस थीटा को इधर लेके जाते हैं तो वन इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू वन कब होती है, टेन पाई बाई 45 डिग्री पे, टेन 45 डिग्री इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ से इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या निकल गया है, 45 एंगल। तो ये एंगल कितना है, यानी कि अगर कोई हमारे एक वेक्टर ए था और ये है हमारे एक वेक्टर वी, तो इनके बीच का जो एंगल वो थीटा वो कितना है, 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।